नमस्कार, आप हेलेन केलर जी को आज के अनुसार कैसे देखते हैं? आप सोचिए, हेलेन केलर जब जन्मी तो ठीक ठाक थी, परंतु 19 महीने बाद उनकी देखने की, सुनने की और बोलने की शक्ति का ह्रास हो गया। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में आपको याद है, समाज में दिव्यांगजन को एक तबका है जो बोझ समझता है, लेकिन उनके माँ बाप ने उनको बोझ नहीं समझा, बल्कि उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रश्रय दिया और उनको आगे बढ़ाया भी। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, बहुत सारी घटनाएं आप फॉरम में आप पढ़ते हैं, टीवी पर भी देखते हैं। इसकी दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हेलेन केलर ने स्वयं को कैसे ढाला, आज की महिलाओं को उससे समझना चाहिए। और जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का योगदान ज्यादा ही होता है। सोचिए, सौतेले भाई थे, सौतेले परिवार था, इसके बावजूद वो आगे बढ़ती गई। तो उन्होंने महिलाओं के जो कष्ट की बात होती है, जो दुख की बात होती है, उसको भी उन्होंने उभारा। और महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं बनी है, ये उन्होंने कैंपेन भी शुरू किया। बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण, एक विजन होता है कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। प्रकृति संतुलित नहीं होगी तो आपदाएं आती रहती हैं। हाँ, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कई जगह भूकंप आ रहे हैं। हाँ, और इस तरह से अनेकों आपदाएं आ चुकी हैं इस समय। हेलेन केलर जी अच्छी तरह से बर्थ कंट्रोल पे कैंपेन कर रही थी। उन्होंने सिफिलिस पर भी काम किया, महिलाएं बहुत ज्यादा पीड़ित होती है उससे। महिलाओं को समाज में बराबर का अधिकार है, और यूं कह लीजिए कि अगर हम सृजन की बात करें तो उनसे ज्यादा सृष्टि में सृजन कोई नहीं करता। बिल्कुल। तो हम इस दृष्टि से देखते हैं कि हेलेन केलर मात्र एक दिव्यांग नहीं थी, एक वधिर नहीं थी, एक दृष्टिबाधित नहीं थी। हमको इस रूप में भी देखते हैं कि वो एक नारी थी, नारी थी, और नारी के रूप में उन्होंने जिस तरह से पुरुषों से भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हिस्सा लिया, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। और दिव्यांग होने के बाद अगर कोई व्यक्ति सामान्य जन के लिए काम कर रहा है तो यह और काबिल तारीफ बात होती है, और समाज को इसे सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल। वो यूएस सोशलिस्ट पार्टी की नेता थी, आचार्य थी अलग से। एक नेता आजकल पता लगता है कि अपने स्वार्थ में सच्ची बातें कहने से कतराता है। हाँ। बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाता। हाँ, बिल्कुल। ये अलग बात है कि आज भारत का सौभाग्य कि प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी मिले हैं और मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी मिले हैं। ऐसे ऐसे निर्णय लेते हैं जैसे कुर्सी से कोई मतलब भी नहीं है, कोई वोट दे चाहे ना दे, बिल्कुल उस रहे चाहे नाराज रहे, इसलिए कि उनका अपना स्वार्थ नहीं है, देश का परमार्थ है, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही हेलेन केलर के मन में भाव था, समाजवादी विचारधारा की थी। आज समाजवादी को देख लीजिए कैसे करते हैं। अगर वो सिर्फ हेलेन केलर को ही देख लें तो समाजवादी अपने को सुधार पाएंगे, सीख पाएंगे। मैं जो देखता हूं उनको, एक नायक के रूप में देखता हूं, एक नेता के रूप में उनको देखता हूं, घर की एक महिला के रूप में देखता हूं, और इस रूप में देखता हूं कि कैसे दिव्यांगजन अपनी सृजन की क्षमता से भारत को, समाज को, विश्व को आगे बढ़ाते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ कर सकते हैं। मैं इस दृष्टिकोण से उनको देखता हूं, और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे बंधु होंगे निश्चित रूप से वो इस तरफ भी सोचेंगे, विश्लेषण करेंगे। एक दिव्यांग को, एक विकलांग को सिर्फ उसकी विकलांगता से ना पहचाना जाए, उसके कार्यों से ही पहचाना जाए, उसकी क्या थॉट है उसको देखा जाए, समाज में उसकी उपयोगिता क्या है। इससे भी जब आप देखते हैं तो दिव्यांगजन कहीं भी किसी से कम नहीं होते, क्योंकि ईश्वर ने उनको भी उसी तरह बनाया है जैसे और लोग। धन्यवाद अशोक जी अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए। आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाएं। हम हमेशा लॉ से रिलेटेड, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगजनों के लिए हम जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।